हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम अख्तर ब्लॉग है। आज का जो वीडियो टॉपिक होने वाला है वो आपके मोबाइल फ़ोन्स और आपके एप्लीकेशन के बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम किसी वेबसाइट पर किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ़ है या अनसेफ़ है। डिस्प्ले पर मैं आपको स्क्रीन शॉट लगा दे रहा हूँ सेफ़ वेबसाइट का और अनसेफ वेबसाइट का। उसी तरीके से कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स दे दे रहा हूँ कि इस एप्लीकेशंस को आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर यूज़ कर रहे हैं तो इमीडिएटली इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर ने भी इसे रिमूव कर दिया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम किसी वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो उसके URL पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें जिस काम पर फोकस होता है उस काम पर हमारी नज़र होती है। और इसका ही नाजायज़ फ़ायदा जो स्कैमर होते हैं, फिशिंग करने वाले होते हैं, वो ध्यान देकर के ये सारी चीज़ें करते हैं। ये बनाया हुआ एक रचा हुआ ड्रीम होता है जिसमें हम जाकर के फंस जाते हैं। किसी भी वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं तो उससे पहले हमें देखना होता है कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो सिक्योर वेबसाइट आपको दिख रही होगी और एक तरफ अनसिक्योर वेबसाइट दिख रही होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर क्लिक करना है और किस पर क्या क्या काम करना है। दूसरी चीज़ें, 8 से 9 ऐसी वेबसाइट्स का नाम, एप्लीकेशंस का नाम लिख दे रहा हूँ जो कि आप अगर मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर लीजिए। हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन्स में मालवेयर या फिर एंटीवायरस या कुछ ऐसी चीज़ें अनइंस्टॉल हो गई हो, जिस वजह से आपकी पर्सनल डेटा या प्राइवेसी वगैरह है जो भी स्कैमर है उनके पास चली जाएगी। तो आप ये 8-9 एप्लीकेशन का नाम दे दे रहा हूँ, इस नाम को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो प्राइवेसी है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं या इंफॉर्मेशन है, कॉल हैं, वो सारी चीज़ें एक्सेस की जाएंगी या फिर कैमरा यूज़ किया जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमसे अलाउ एंड एक्सेस का परमिशन मांगा जाता है, जिसमें कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, कैमरा वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग होता है, सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो इसीलिए जो नाम मैं आपको दे रहा हूँ ये प्ले स्टोर ने भी इसे रिमूव कर दिया है, आप भी इसे इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन और नॉलेजबल वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।